नमस्कार, मैं हूं क्राम सोलंकी। आप देख रहे हैं निमाड़ का दबंग न्यूज। खबर पानसमल से है, जहां नगर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। इसमें सभी दुकानों के आगे लगे हुए टीन सेट, बाहर लगाई गई कुर्सियां व टेबल व अनावश्यक रूप से रखी गई सामग्री को प्रशासनिक अमले द्वारा हटाया गया है। आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए, जो ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए, जो जलगों रोड से आज जो अभियान चालू किया, उसमें जो शेड और अस्थायी रूप से जिन लोगों ने सामान रख के अतिक्रमण करके, और फिर तमाम प्रकार के हमारे अनावश्यक रूप से जो टेलीफोन के खंभे और इसके लाइट के खंभे लगे हुए थे, उनको भी साथ साथ में हम लोगों ने हटाया। और आज बहुत अच्छा लगता है, पूरा रोड बहुत चौड़ा हो गया है। और ये अभियान परसों भी हमारा चलेगा, जहाँ से हमने उसको ख़त्म किया वहीं से उसको आगे बढ़ाएंगे। इसमें श्रीमान कलेक्टर महोदय, हमारे SDM साहब, तहसीलदार साहब, TI साहब, सब SDM साहब के नेतृत्व में ये अभियान चलाया गया है, और ये अभियान उनके निर्देशन में और चलेगा। वहीं नगर के जलगोन रोड पर से अतिक्रमण हटाने की मुहिम शुरू की गई। दीनदयाल कॉलोनी पर भी एक अतिक्रमण हटाया गया, जिसकी शिकायत CM हेल्पलाइन पर भी की जा चुकी थी। वहां पर पुरानी बनी हुई अनुपयोगी पानी की टंकी को भी JCB से तोड़ा गया है।